अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, YouTube चैनल पर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अपनी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे साल 1968 की सबसे बेहतरीन पाकिस्तानी फिल्म के बारे में। इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म हदायतकार लईक अख्तर की सायका थी। ये फिल्म रज़िया भट्ट के नावल से माखूज थी। इस फिल्म में मोहम्मद अली, शमीम आरा, दर्पण, लहरी और जमर्रद ने मरकजी किरदार अदा किए थे। इस फिल्म के नगमा निगार मसरूर अनवर, जबकि मौसीकार निसार बज़मी थे। इस फिल्म के कई गीत बेहद मकबूल हुए, खसूसन मेहदी हसन का गाया गीत एक सितम और मेरी जान अभी जहाँ बाकी है। इसी तरह अहमद रुश्दी और माला बेगम का गाया हुआ गीत ए बहारो गवाह रहना भी अपने दौर का एक यादगार तरीन गीत था। इन गीतों की बाज़गश्त तवील अरसा तक हमारे हमसाया मुल्क में भी सुनाई देती रही। सायका 13 सितंबर 1968 को नुमाइश के लिए पेश की गई और इस फिल्म ने कराची के ओडियन सिनेमा में लगातार 62 हफ्ते तक चलकर गोल्डन जुबली फिल्म होने का इजाज़ हासिल किया। 1968 की सबसे बेहतरीन फिल्म होने के इजाज़ के अलावा फिल्म सायका ने 8 दीगर कैटेगरीज में भी अवार्ड जीते, जिनमें बेहतरीन राइटर रज़िया भट्ट फिल्म सायका, बेहतरीन गीतनगार मसरूर अनवर फिल्म सायका, बेहतरीन अदाकार मोहम्मद अली फिल्म सायका, बेहतरीन मौसीकार निसार बज़मी फिल्म सायका, बेहतरीन अदाकारा शमीम आरा फिल्म सायका, बेहतरीन प्लेबैक सिंगर मेहदी हसन फिल्म सायका, बेहतरीन कॉमेडियन लहरी फिल्म सायका शामिल थे। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो बेल के आइकन पर क्लिक कीजिएगा और मज़ीद अच्छी अच्छी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।